प्रगति व्यापार मेला 2019 में डिजिबल की टीम पहुंची हुई है और इस मेला के अंतर्गत आज रंगारंग कवि सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है और इस गरिमामय उपस्थिति में हमारे बीच में नामी गिरामी कवि उपस्थित हैं। हम जानेंगे पद्मश्री श्री सुरेश दुबे जी से कि ये इस कार्यक्रम को जो कवर्धा के युवाओं के द्वारा एक प्रेरणात्मक रूप में किया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अपने शब्दों में, युवाओं का जबरदस्त योगदान है, भगत सिंह से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, अगर हम उनको आईकॉन के रूप में रखें युवाओं के सामने और वो जो युवा क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो रचनात्मक गतिविधि करते हैं, अगर वो समाज सेवा करते हैं, तो छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने में उनका बड़ा योगदान। ये कार्यक्रम युवाओं को प्रेरित कर वर्धा के लोगों का जिस तरीके से प्रेम आपके लिए उभरता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? वर्धा की जनता कला साहित्य संस्कार और संस्कृति की नगरी है। छत्तीसगढ़ के पहले कवि धर्मदास यही हुए। यहाँ गोरमदेव है, यहाँ जो मड़वा महल है, ये सब यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर है। ऐसे कार्यक्रम करने से ये संदेश पूरे देश तक जाता है, कहीं ना कहीं संदेश पूरे देश तक के जाता है, ये डॉक्टर सुरेश दुबे जी का कहना है। अन्य जो कवि हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, इस मेला को लेकर के आपका क्या कहना है, थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, सतना से हूँ। सतना में हर साल व्यापार मेला लगता रहा है। उस व्यापार मेले से सतना के व्यापार को बहुत ज़्यादा तरक्की मिली है, बहुत तरक्की के सोपान चढ़े हैं। उस तर्ज पे यहाँ पर व्यापार, ग्वालियर व्यापार मेला एक प्रसिद्ध व्यापार मेला है। तो अब चूंकि ये शुरुआत हुई है यहाँ छत्तीसगढ़ में, कवर्धा में या आगे, तो आगे ग्वालियर की तर्ज पर ये ग्वालियर जितना ही नाम करेगा, ऐसी उम्मीद है। कई कलाकारों को अवसर मिलता है, कई बिजनेसमैन को अवसर मिलता है, व्यापार बढ़ता है, तो निश्चित रूप से सराहनीय पहल है, इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम। तो ये एक सराहनीय पहल के रूप में देखा जा रहा है। अन्य कवि से भी जानने का प्रयास करेंगे, व्यापार मेला जो प्रगति 2019 का आयोजन किया गया है, उसके लिए आप क्या कहें? देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो आयोजन है युवाओं के द्वारा किया गया है और पूरे 6 दिवसीय आयोजन में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन, विभिन्न प्रकार के साहित्यिक आयोजन, और जहाँ तक मैंने देखा स्थानीय लोगों को मंच मिल रहा है। व्यावसायिक चीजें तो हर जगह चल रही है, लेकिन इस व्यापार मेले के बहाने जो लोक संस्कृति को, साहित्य को जो स्थान मिल रहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और बिल्कुल ये हर साल होना चाहिए, और हमारी शुभकामनाएं इसके लिए। व्यापार मेला का आयोजन युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, उसमें आज कवि सम्मेलन का कार्यक्रम, उसको लेकर के आप किस तरीके से उत्साहित है, थोड़ा बताने का प्रयास। देखिए, भारत जो है वो संस्कृति और सभ्यता का देश शुरू से रहा है। हम इसे राष्ट्र आदर्श मानकर चले हैं। जहाँ मेले की सभ्यता ही खत्म हो चली है, वहाँ युवाओं द्वारा अगर ऐसा प्रयोग किया जाता है, ऐसा प्रयास किया जाता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। व्यापार मेले से कई व्यापार के आयाम बढ़ते हैं। युवा शक्ति ये जानती है कि उनकी शक्ति में पूरे राष्ट्र की शक्ति निहित है, तो अगर ये कदम बढ़ाया गया है तो बहुत ही बहुत अच्छा ये कदम है। मैं युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उन्हें बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वे ऐसे आयोजन करते रहे ताकि राष्ट्र को एक प्रेरणा मिलती रहे। कुछ ही क्षणों के पश्चात कवियों के माध्यम से और कवियत्रों के माध्यम से लोगों को कई तरह की रचनाएं सुनने को मिलेंगी। अन्य हमारे बीच में कौशल साहू जी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, बताएंगे अपन। बहुत प्यारा कबीरधाम, और कबीरधाम की इस पावन धरती में सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस मैदान में भव्य काव्य मंच, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, भुवन मोहिनी जी जैसे अनेक हस्तियां इस मंच के माध्यम से आपको काव्य रंग में डुबाने वाली हैं, और आज रात रंगीन होने वाली है काव्यों की फुहारों के साथ, और बहुत बढ़िया आयोजन प्रगति 2019 और ये व्यापार मेला आप सबके लिए फलदायी हो, बहुत शुभकामना, बहुत बधाई, थैंक यू। आप किस रस को लेकर के आज यहाँ प्रस्तुतिकरण प्रदान करने वाले बताएं? देखिए, मैं अमून कवि मंचों पर देश संस्कृति सभ्यता को लेकर बात किया करता हूँ,
और आज उसी विषय पर बात करेंगे। देश की व्यवस्था, देश की विसंगतियों पर हमारा कवियों का ये मौलिक अधिकार है, कर्तव्य भी है कि हम कोई कहीं समस्या है तो उस पर उठाएं और कोई अच्छी काम हो रही तो उनकी प्रशंसा करें। इस विषय पर हम मंच पर रहेंगे और मैं तो इस संदर्भ से हटकर ये बात करना चाहता हूँ कि प्रगति 2019 युवाओं ने एक नई शुरुआत की है, इसके लिए मैं तो बहुत दिल से बधाई देता हूँ। अनूप श्रीवास्तव जी है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से लेकर के आप इस आयोजन को देख रहे हैं, बताने का प्रयास करेंगे। ये पहला साल है गंवारसा का और जिस हिसाब से पहले साल में जो भीड़ जुट रही है उसको देखते हुए हमको ये लगता है कि आने वाला भविष्य में भी बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम होगा। और शुरुआत इतनी अच्छी हुई कि आज हमारे बीच में पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी हैं और हर रस के कवि हैं, तो बहुत आनंद मिलेगा कंवारसा वासियों को। छुप छुप के मुझे देखा तू पर सारी सारी रात सारी सारी।